नमस्कार मध्यान खबर को स्वागत करुछी माधुरी प्रथमे हेडलाइंस राज्य में आज भी 5000 तले कोरोना ग्राफ 24 घंटा रे 4469 पॉजिटिव खोर्धारु सर्वाधिक 612 नुआ केस पुणी 45 जीवन नेला भाइरस राज्य में लघुचाप प्रभाव में वर्षा 7 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कला पाणीपाग केन्द्र उपकूल में बर्षिप आभ्यंतरण इलाक बढ़ सेपटे प्रथम वर्षा बेहाल है ट्विन सिटी कटक बीच रास्त 5 फुट बड़ गर्त वर्षा पर धसीगला रास्ता कटक सीडीएस सेक्टर 7 मरकत नगर अंचल में यह घटना को नहीं चर्चा 5 वर्ष पूर्वे एठारे होता स्वेरेज काम मलकानगि माओवादी टीफिन बोमा 3 टीफिन बोमा को उद्धार कले जवान आंध्र ओडिशा सीमार नक्सल षड्यंत्र असफल 6 मास स्वाभिमान अंचल 20 अधिक बोमा उद्धार नकली कोरोना मेडिसिन को नहीं बढ़ला चिंता कटक परे संबलपुर और राउरकेलू मेडिसिन जबत राज्य स्वास्थ्य विभाग तत्परता उपरे उठला प्रश्न एवं G7 समिति को प्रधानमंत्री संबोधन एक विश्व एक स्वास्थ्य मंत्र दे मोदी बैठक में सामिल हेले विश्वर 7 बड़ आर्थिक शक्ति महामारी बेले भारत सहयोग को सबु राष्ट्र प्रशंसा आसिया संपूर्ण खबर को राज्य में आज भी 5000 तले कोरोना ग्राफ 24 घंटा 4469 नुआ पॉजिटिव तेज 40 तल को खसुनी मृतकों संख्या आज भी 45 जीवन नहीं भाइरस खोर्धार सर्वाधिक 6 कटक्रु 4 मृतक रही खोर्धार आज सर्वाधिक 612 नुआ केस रही कटक्रु 413 जाजपुर 370 बालेश्वर 318 और ढेंकानाल 252 पॉजिटिव रही अंपटे पुरी 243 अनुगुल 226 मयूरभंज 216 आक्रांत चिन्हट होती ओडिशा रे मोट एक्टिव केस संख्या 69361 रही देश में ह्रास पाउछि कोरोना संक्रमण दिनक दिन संक्रमित संख्या कमिबारे लागुछि गत 24 घंटा रे देश में कोरोना संक्रमित संख्या 80000 अधिक रही से 3000 अधिक जीवन नहीं महामारी आज देश में 80834 आक्रांत चिन्हट होता बेले 3303 जन मृत्यु होशाई देश में मोट आक्रांतों संख्या 2,94,39,999 रही सेपरी मोट मृत्यु संख्या 3,70,384 पहुंची देश में टीकाकरण को भी जोरदार करा जाए भारत में मोट 25,31,95,048 टीकाकरण हो गत 24 घंटा 34,84,249 जन को टीका दी स्वास्थ्य मंत्रालय पक्ष सूचना दी जा राज्य में लघुचाप प्रभाव में वर्षा बढ़ी गत 24 घंटा भितर उपकूल ओडिशा रे अधिक वर्षा होता बेले शनिवार संध्यारु अनेक स्थान रे वर्षा लागि रहिछि आसंता 24 घंटा भितर लघुचाप घनीभूत हो अवपात रूप नहीं पारे आसंता 16 तारीख पर्यंत ओडिशा उपरे रहिबो एहा सह उत्तर ओडिशा रे बैतरणी और सुवर्णरेखा नदी फुली पारे शनिवार 23 जिला को मौसुमी छुईता बेले आज 24 घंटा भितर बाकी 7 जिला को मौसुमी छुईब अन्यपटे प्रबल वर्षा रे भुवनेश्वर कटक बेहाल होइछि शनिवार संध्यारु ट्विन सिटी रे प्रबल वर्षा सह घड़घड़ी लागि रहिथिला दीर्घ समय पर्यंत वर्षा लागि रहिथिबा बळे तळिया अंचल गुड़िक पानी जमिछि फळरे ड्रेनेज अव्यवस्था को नहीं पुणि थरे प्रश्न उठिछि लोकमाने रास्ता उपरको आसी रास्ता सफा करुथिबा देखिबा को मिलिछि मौसुमी वायु सक्रिय होइथिबारु एबे राज्य रे वर्षा लागि रहिछि किछि स्थान रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबार आशंका रहिछि चाषी पिछा छाड़ुनि दुख प्रकृति वर्षा ठू आरंभ कर पैक्स आउ मिलर जाए साजिंट चाषी शत्रु अधा क्षेत आ मंडी खोलार पड़ रही धान क्या टोकन मिली तो क्या टोकन मिलना फल धान गजा है जयपाटना ब्लक 16 मंडी 12 खोला आकाश तले पड़ मंडी भिजुची धान निदावेश पलटि आरएमसी चाषी वर्षार धान को जगि बसी धान बस्ता तौक चेर विलंबिला चाषी मूल्य भाव में बिक्री हेब कि नहीं चिंता घारा तेरे मंथर गति में धान उठाण चली मिलर्स का कटनी छटनी मनमानी राजनीति पर चाषी हैरान हरकत हो
12 दिन ही गला धान नै जिवार खाली बस्ता धान जोचे गुण धान मनके नै नबार तो आज अपन को धान भिजिचे गजा ही गलना 4-5 दिन वर्षा ही गला धान ता मई 2 एकड़ काटी छे 2 एकड़ गजा ही गला नै काटला 2 एकड़ तापर पानी तो एकदम खल 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 बोई जोचे सब तो गजा ही गला किंदिकर मोर परिवार पोसबी कटक रे बीच रास्तारे 5 फुट रो बड़ गर्त वर्षा परे धसीगला रास्ता कटक सीडीएस सेक्टर 7 मरकतनगर अंचल रे एभली घटना कुनी चर्चा 5 वर्ष पूर्वे एठारे स्वरेज काम होइथिला तबे वर्षा परे रास्ता धसी जाइछे जाकुने स्थानीय अंचल रे लोकों का भितरे भय खेली जाइछे सेपटे घटना परे केवल बाली पकाई चलीछे प्रशासन रो ताली पका खाकी रे लागिला दाग गाड़ी चोरी अभियोग रे पुलिस होमगार्ड समेत 3 जन गिरफ बरगढ़ लुट पिकअप भ्यान जबत करा जाय छे सोहेला थाना लहु राचटीर एनएच निकट एक चा दुकान रु गत 8 तारीख रे एक पिकअप भ्यान चोरी होइतला विलंबित राति रे गंडपाली गांर दीपक पाणिग्राही को गाड़ी चोरी अभियोग करथिले तबे चालक घनश्याम बंछोर को धमक दे तांको बंधक करथिले लुटेरा बरगढ़ आड़ को जाउथिबा बळे सोहेला बरगड़ मझी गोविंदपुर निकट रे गाड़ी अचल हो जाइथिला यार सुजोग ने ड्राइवर सेटारु खसी जाई 9 तारीख सखाळ सोहेला थाना रे अभियोग करथिले चढ़ाउ परे संबलपुर पुलिस होमगार्ड तरुण सुरचालंक निकट रु लूट होइथिबा पिकअप भ्यान जबत करथिले सेपरि मुख्य अभियुक्त रवि यादव उर्फ मोहित अग्रवाल को गिरफ्त करिछि पुलिस पिकअप गाड़ीटा रिकवर होती गोटे मोबाइल फोनटे ड्राइवर से नहीं जाते से मोबाइल फोनटा रिकवर होती आक्यूज मैंने जो क्राइम इनवल्व करते तीन टा मोबाइल फोन रिकवर होक्यूज मैंने गोटे पिकअप गाड़ी आसी पिकअप गाड़ीटा आम जबत करतान गाड़ी जबत जिन अच्छी आक्यूज मैंने आज फरवर्ड हो जो केसर आउ गोटे थर्ड एक्यूज इनवल्व होता जो संबलपुर से गाड़ीटा को रखी रखिकी तक डिस्पोजल चेस्टा कर तो सरेस्ट कर अनुगुल मृदु भूकंप शनिवार मध्य रात्रि अनुगुल सहर और यार आखपाख अंचल मृदु भूकंप अनुभूत हो राति गोटाए 7 मिनिट्रे अनुगुल सहर प्राय 2 सेकेंड झटका अनुभव होता एने आनुष्ठानिक भाव में आंचलिक पापाग केन्द्र पक्षर् सूचना दी जाए यह भूकंप अनुकूल और यार 5 किलोमीटर परिसीमा भितर होता कह खोर्धा बेगुनिया रे मातिले लुटेरा बाघमारी थाना अंतर्गत दिनियारी टांगे साहिर फकीर राउतराय लुका एवं दुकान रु विलंबित राति रे लुट होइतबा अभियोग होइछि दुर्वृत्त मैंने दुकान ताला भांगी लक्षाधिक टंकार सामग्री लुटि नैछन्ते एने बाघमारी थाना रे अभियोग होइछि अभियोग पाई पुलिस घटनास्थल पहुंची तदंत आरंभ करिछि गोटिए पटे लॉकडाउन और शटडाउन चलिथिबा बळे लुटेरा मानकर सक्रियता बाघमारी पुलिस पाई चैलेंज सृष्टि करिछि अन्यपटे बाघमारी पुलिस रात पेट्रोलिंग कर सृष्टि होता साधारण आलोचना मलकानगिरी माओवादी टीफिन बोमा तीन टीफिन बोमा को उद्धार कर अकामी कले जवान शनिवार नक्सल प्रयास असफल हो स्वाभिमान अंचल जनता पाई रही 9th बाटालियन बीएसएफ एवं जिला पुलिस मिलित ऑपरेशन करते पेट्रोलिंग समय आंध्र ओडिशा सीमांत चिंता लनार और मंदापाली जंगल मझे बोमा मिलता मेटल डिटेक्टर में जांच करुवा बेले माओवादी षड्यंत्र धरा पड़ा तेज बोमा को उद्धार कर सुरक्षित भाव उद्धार करापर मझे जंगल में निष्क्रिय करते जवान कोरोना काल में G7 समिति को संबोधन करिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम रे जोगदे
प्रधानमंत्री मोदी एक विश्व एक स्वास्थ्य मंत्र G7 समिति प्रथम पर्याय बैठक अनुष्ठित विश्व सात बड़ आर्थिक शक्ति एही बैठक में सामिल होती मोदी स्वास्थ्य मंत्र को विशेष भाव उल्लेख करने दृढ़ समर्थन कर जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल फ्रांस राष्ट्रपति और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री मोदी संबोधन को प्रशंसा कर महामारी बेले G7 और अन्य राष्ट्र द्वारा भारत को मिलता समर्थन को प्रधानमंत्री मन पक विश्व स्वास्थ्य क्षेत्र में सामूहिक प्रयास द्वारा उन्नति अणाईपर प्रधानमंत्री गोटे सहर दुईट नाम ओडिया ब्रह्मपुर इंग्राजी में ब्रह्मपुर जो नाम फलक ब्रह्मपुर सूचाऊ से फलक ब्रह्मपुर सूचाऊ छोटू बड़ जाए सब द्वंद्वर अंचलवासी बाहर आसुवा लोक तो सहर नाम को नहीं कन्फ्यूजन हूँ एमती देखा मिली रास्ता घाट ठू आरंभ कर सरकारी कार्यालय और कोर्ट कचेरी सबुठे तेरे यही अप्रहंस को दीर्घ 70 वर्ष अधिक बीतला विधानसभा बारंबार दावी किंतु विडंबना आज पर्यंत सहर नाम संशोधन हो पारा सहर गोटे किंतु नाम दुईटी ओडिया ब्रह्मपुर किंतु इंग्राजी बेरहमपुर आई समस्ते द्वंद्व बनागत असुविधा उच्चारण अपहंस को नहीं रेशम सहर आज हास्यापद कोर्ट कचेरी ठारु आरंभ कर विजिलेंस ऑफिस हो कि दक्षिणांचल राजस्व कमिशनर कार्यालय सहर प्रत्येक सरकारी कार्यालय नाम को नहीं कन्फ्यूजन तेरे क्यों नामटी सत के गोटे सहर दुईट नाम राज्य में गंजाम जिलार सर्वपुरतन सहर ब्रह्मपुर अवस्थित इतिहास कहे मोहरीगढ़ राजा राजप्रसाद और ब्रह्मपुर मठ मंदिर को नहीं मोहरीगढ़ राजा सहर को ब्रह्मपुर नाम से प्रतिष्ठा कर किंतु 1850 बेले जेते बेले यह ब्रिटिश मान शासन को आसला सेते बेले ब्रह्मपुर को अपहंस कर इंग्राजी बेरहमपुर करदेबू समस्या लग रही जो ब्रिटिश शासन चलता ब्रिटिशर मैंने आसिक ब्रह्मपुर प्रोनाउंसिएशन भूल कर बेरहमपुर करदे इटि बहुत साहित्यिक विभिन्न प्रकार बुद्धिजीवी महल बहुत आलोचना हो बेरहमपुर कि ब्रह्मपुर कराइपाई राज्य सरकार चाहिए ब्रह्मपुरवासी चाहिए निश्चित भाव ब्रह्मपुर हवा उचित स्वाधीनतार 70 वर्षरु अधिक समय है किंतु सहर नाम बदली पारा ना एथिपाई सरकार का कौनसी निघा ना जेतेबेले सहर बाहर को जेकोसी व्यक्ति सहर भितर को आसती सेतेबेले समस्त मन में कौतूहल सृष्टि हुए एने ओडिशार विधानसभा बारंबार मध्य प्रश्न उठाई ब्रह्मपुर पूर्वतन विधायक डॉक्टर रमेश चंद्र चौपटनायक किंतु फल शून केवल ब्रह्मपुर स्टेशन को छाड़देले सबुठ अपहंस अंपटे केमी यहाँ संशोधन होने बारंबार जिला प्रशासन ब्रह्मपुर महानगर निगम तरफ बहुबार बैठक हो आलोचना किंतु कौनसी फलप्रद होना इंग्रज अमलर ओडिशार विभिन्न सहर तथा केत स्थान जिलार सब से प्रोनाउंसिएशन को लेकिन से मैंने नामकरण सब कर उदाहरण स्वरूप ब्रह्मपुर किंतु बरहमपुर बोलिक अच्छे BRHMPUR ब्रह्मपुर आली कटक विभिन्न जगह गुड़ाक पर आलोचना विधानसभा बारंबार प्रश्न उठाई ब्रह्मपुर और बेरहमपुर कन्फ्यूजन केबे हटिबो और सहर को केबे सठिक उच्चारण होपेक्षा गोटे सहर दुईटी ना ओडिया ब्रह्मपुर इंग्राजी बेरहमपुर केवल स्टेशन परिसर को छाड़देले बाकी समस्त जगार एमती दुई दुईटी ना रही जहाँ कि प्रत्येक दिन समस्त मनरे द्वंद्व सृष्टि होबे देखिबार कथा राज्य सरकार यह केमी दृष्टि देखार समाधान केमी हो ब्रह्मपुर कैमेरा पर्सन शुभेन्दु सहित पीतांबर नाहक अर्गस न्यूज ना आउ एबे एठे सुभुची बाणी वाद्य ओ नुपुर झंकारर शब्द ना मंच अभिनयर डायलगर स्वर दिने कला ओ कलाकारक उन्नति पाई सात दशंधि पूर्वे गंजाम जिला कवि सूर्यनगर ठारे गढ़ी उठिथिला गांधीजी संगीत महाविद्यालय जहार रक्षणाबेक्षण अभाव ओ सरकार को उदासीनता कारण एबे जराजीर्ण अवस्था पड़ रही संगीत महाविद्यालय
ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ଚାରିପଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବୁଦାମାଳ, ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କାନ୍ଥ, ଉଡ଼ିଗଲାଣି ଛାତ, ମରାମତି ନ ହୋଇ ଏବେ ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଲାଣି। ଦିନେ ଯେଉଁଠି ପିଲା ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନାଁ କରୁଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। କଳା ସଂସ୍କୃତିର ସହର ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 70 ବର୍ଷ ତଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରଠାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଠାରୁ ସଙ୍ଗୀତ, ବାଦ୍ୟ ଓ ନୃତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ରାଜ୍ୟ ତଥା ସାରା ଭାରତରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଦିନେ ଛାତ୍ରାବାସ, ପ୍ରକ୍ଷାଳୟ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ପାଠଗାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଓ ପୁସ୍ତକ ରହିଥିଲା, ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ 11 ଜଣିଆ କମିଟି ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବମ୍ବେର ଗନ୍ଧର୍ବ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଓ ବିଭିନ୍ନ ନାଟ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ତାହା ଆଜି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଛି। ବହୁ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ସୁନାମ ଥିଲା। ଋଷି ବୁଢ଼ା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲେ, ସିଏ ପୁନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ସିଏ ଆଉ ଠିକ କାମ କଲେ ନାହିଁ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପୀଠସ୍ଥଳୀ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଏଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ମନ୍ଦିର ଏ ତାରିଣୀ ପାତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହା 1948 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଆର୍ଜିକି ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଇଏ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସରକାର ଯଦି ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇ ଏହି ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହୋଇପାରିବ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛି ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ସତେ ଯେମିତି ଏହା ଏକ ଭୂତକୋଠି, ଯେଉଁଠି ଦିନେ ସଙ୍ଗୀତର ସର୍ଜନା ହେଉଥିଲା, ସୁର, ଲୟ, ତାଳ ଓ ଛାନ୍ଦର ଆସର ଜମୁଥିଲା, ଏବେ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଓଲଟା। କେଉଁଠି ଦେଶୀ ମଦ ପୁଡ଼ିଆ ତ କେଉଁଠି ବିଦେଶୀ ମଦବୋତଲ ସାଙ୍ଗକୁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଅଞ୍ଚଳର କଳାପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଏହାର ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ସେପଟେ ସରକାର ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଟିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର କଳା ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏନେଇ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ସହ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗାନ୍ଧୀ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 65 ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଉଥିଲୁ କିଛି ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଦାମୀ ଦାମୀ କଳାକାର ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣ ସେ ଜଣେ କ୍ରିଷ୍ଣାରାଓ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲେ, ସିଏ ଯେଉଁଟାକି ବମ୍ବେରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ, ତାଙ୍କଠୁ ଆଜିକାଲିର କଳାକାରମାନେ ଶିକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ତାରିଣୀ ପାତ୍ରଙ୍କର ଛାତ୍ର। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଏଠିକି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଜର୍ଜ ତିଆରି ଆସିଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ବି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଉ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀମତୀ ଲତିକ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ସେ ବି ପ୍ରଶଂସି ଦେଇଛନ୍ତି ଆର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଦିନେ ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କଳା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରୁଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆଜି ଭଗ୍ନା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସରକାର କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ନଜର କେବେ ପଡ଼ୁଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଦିଲ୍ଲୀର ମହାରାଜ ଅଗ୍ରେସନ ହସ୍ପିଟାଲର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କମ୍ପ୍ରେସର ଉଦ୍ଘାଟନ, ପିଏସ୍ଏ ଜେନେରେଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ଅବିକେ ହସ୍ପିଟାଲ ବୋର୍ଡକେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଦରଣୀୟ ଅଶୋକ ଗୁପ୍ତାଜୀ, ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଏହି ସଂସ୍ଥାକେ ପୂର୍ବ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ନନ୍ଦକିଶୋର ଗର୍ଗଜୀ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବିଭାଗକେ ସଚିବ ଆପ୍ ସଭିକେ ପରିଚିତ ତରୁଣ କପୁରଜୀ, ଜିନ୍କି ସୌଜନ୍ୟ ସେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜ ହୁଆ, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ଼କେ
एमडी आदरणीय एके जाना जी और इस अग्रसेन हॉस्पिटल के प्रमुख देश की जाने माने चिकित्सक डॉक्टर दीपक सिंघला जी और यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ नागरिक वृंद, इस संस्था के संस्थापक सदस्य भाई और बहनों, पत्रकार मित्रगण और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखने वाले देश तथा दिल्ली की सभी नागरिक भाई और बहनों, मैं दोनों संस्थाओं को धन्यवाद देता हूँ। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल समूह को धन्यवाद देता हूँ, आपने महाराजा अग्रसेन जी के नाम को सार्थक करते हुए, उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक काम की एक नया आयाम आपने शुरू किया है, विशेष करके दिल्ली में हेल्थ सेक्टर में और एनसीआर में हेल्थ सेक्टर में, वो यहाँ का पंजाबी बाग स्थित इस हॉस्पिटल हो, द्वारका वाले हॉस्पिटल हो या आने वाले दिनों में बहादुरगढ़ में, शायद जिस प्रकार की कल्पना आप लोगों ने सबने हमको बताया, शायद ये देश की एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र बनाने की आप लोगों की जो सपना है वो भी हो और उसी पूरा समुद्र मंथन में आपने आज आईजीएल को भी मौका दिया, उसमें से थोड़ा अर्घ्य डालने के लिए, थोड़ा उस यज्ञ में थोड़ा घी डालने के लिए। मित्रों, मैं दोनों को धन्यवाद देता हूँ। आज जून 13 तारीख है, 13 ही है ना, जून 13 तारीख, दो महीना पहले और विशेष करके एक महीना पहले क्या स्थिति देश की थी, ऑक्सीजन को लेके क्या देश की स्थिति थी। मैं आपको एक तथ्य आपके सामने, ऐसा नहीं कि इस तथ्य आपके सामने नहीं, लेकिन मैं आज के दिवस पे उसको स्मरण कराना चाहता हूं। पिछले बार जब कोविड आया, और ये कोविड ऐसा नहीं सिर्फ भारत को आया, कोविड देश भर में आया, दुनिया भर में आया। पिछले साल जब भारत में कोविड आया, सितंबर महीने में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लगी थी और उसकी कंजम्पशन उन दिनों में 2500 मेट्रिक टन पर डे था। ये मैंने देखा आइनॉक्स की आपकी एक पुरानी प्लांट है, आइनॉक्स वालों का है ना, आइनॉक्स वालों की 7 टन की एक प्लांट आपके पास है, प्रतिदिन 7 टन, यानी आपके किसी भी प्रकार के डॉक्टर साहब ऑक्सीजन बेड कितना होते थे, किसी भी प्रकार के 300 बेड में आपकी ऑक्सीजन प्रबंधन था, अच्छा हॉस्पिटल है ये, और डेली खपत कितना होती थी, पहले 2 टन तक जाता था, 2 टन, अभी कोरोना के पीक में कितना किया आपने, 8 टन, जो आपके हॉस्पिटल की स्थिति बनी, देश की भी ऐसी स्थिति बनी, और देश में तो अनेक जगह पे ऑक्सीजन की कल्पना भी नहीं था, जो जिला हॉस्पिटल है, जो सुदूर इलाका में हॉस्पिटल है। मैं तो बचपन से हॉस्पिटल की अंदर एक दो बड़े बड़े काले सिलेंडर ऑक्सीजन की हैं, वो रहता है, कोई उसको कभी काम पे लाने में कदबा कोचित तो होती थी, लेकिन इस बार ऑक्सीजन की जिस प्रकार की बीमारी की नेचर आया, दो दो वेरिएंट अभी अटैक किया, अदृश्य बीमारी है ये, कहां से आया, किसको आया, कितने जल्दी किसकी शरीर को खराब किया, कोई उसको झेल लिए, इसकी कोई वैज्ञानिक समाधान नहीं हो पाया। मेडिसिन तो वही रहे, मैं खुद भी पिछले बार कोरोना में ग्रसित था, इसलिए मैं थोड़ा बहुत बेड में पढ़ के सोते सोते डॉक्टर जब आते थे उनसे अभ्यास कर लिया था कि हैवी फ्लू नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, स्टेरॉयड आएगा, रेमडेसिविर आएगा, फिर टोसिलीजुमा आएगा, फिर वेंटिलेटर लगेगा, फिर भगवान के पास जाएगा।
और जिसमें हिम्मत होगा, जिसकी प्रभु के ऊपर जिसकी कल्याण होगा वो बचेगा। ये सब हुई है और इसकी कोई तो उल्टा धन्यवाद देना चाहिए भारत के वैज्ञानिकों ने। इस बार जो वैक्सीन सब आई, कुछ लोग तो वैक्सीन को मजाक ही उड़ाए थे क्योंकि उनको प्रधानमंत्री जी पे बहुत श्रद्धा है, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को गाली देते देते वैज्ञानिकों को भी गाली दिए। और अभी हमें सबको संतोष होना चाहिए जो भारत की कोवैक्सीन बनाए, भारत बायोटेक, जो हमारे ICMR ये सब हमारे डॉक्टर्स की, डॉक्टर सिंघला जैसे डॉक्टरों की जो समूह है हमारे देश में है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने जो पैसा खर्चा करके भारत बायोटेक के साथ टीका निकाला है, ये अभी की डबल वेरिएंट की टीका समस्या की सबसे प्रभावी निदान है, ये अभी प्रमाणित हुआ है। ये अदृश्य बीमारी जब पिछले बार आया था तब 2300 मेट्रिक टन से 2500 मेट्रिक टन सितंबर में सबसे ज्यादा खपत थी और इस बार अप्रैल की प्रारंभ में ये जैसे यहां 2 टन, ऐसे देश में 1300 टन होता था खपत। अप्रैल 1 में 1300 टन खपत से बढ़ के मई 1 तक ये 7-8 हजार टन आ गया, मई मिड तक ये 10,000 मेट्रिक टन आ गया। मित्रों देश में वो कैपेसिटी नहीं थी लेकिन हम सभी ने उसकी ताकत लगाई, देश में 10,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध करवाया गया, विशेष करके स्टील इंडस्ट्री उसमें आगे आए, उन्होंने अपना उत्पादन को कम करके ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाया, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कैटेगरी ऑक्सीजन बढ़ाई और आप सभी को उपलब्ध कराया, सिलेंडर की संख्या बढ़ी, कॉन्सेंट्रेटर आया देश। तरुण कपूर जहां बैठे हैं इनको सरकार काम दिया 1,00,000 कॉन्सेंट्रेटर भारत में उपलब्ध कराओ। और सिर्फ देखो अभी तो जब कल्पना करिए पिछले बार कोरोना आया पहली बार देश में एक समय सरी छे बुलेटिन को इटी रखुछ। नमस्कार।